हेलो एंड वेलकम टू कमर क्लासेस। अभी हम लोग बहुत सारे पॉपुलर ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे थे और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। आज मैं इस पूरे डायहेड्रल ग्रुप का पूरा एनालिसिस करने वाली हूँ और वो जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल विजुअल अप्रोच होगा, यानी मैं एक पेंटागन के सिमेट्री से कैसे कैसे सारे रिजल्ट आ रहे हैं। कोई रिगरस प्रूफ नहीं है पर आपको फिर भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारे प्रूफ समझ में आ जाएंगे। हम लोग सारे सब ग्रुप्स निकालेंगे और ये पूरा जो इसका सब ग्रुप लैटिस है उसको समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये जो ग्रुप है वो हमारा 10 ऑर्डर का ग्रुप है। 10 ऑर्डर के ग्रुप नॉन एबेलियन भी पॉसिबल है और एबेलियन भी पॉसिबल है, पर जब केस एबेलियन ग्रुप का हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे लग जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। और ये हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है अलजेब्रा में। ओके, तो ये जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि कोई भी एबेलियन ग्रुप हमें दिया हो तो उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। और उसकी पूरी स्टडी हम लोग सिर्फ ZN से ही कर लेते हैं और उसके जो डायरेक्ट सम करके हम बहुत सारे ग्रुप्स को स्टडी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ये जो सीरीज़ बना रही हूँ इसमें सिर्फ नॉन एबेलियन ग्रुप्स को ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हम किसी एक चीज़ से नहीं निकाल सकते। हमें सभी के कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। आप सारे एक बार कर जाइए और एग्ज़ाम में जब आपको ये सारे ग्रुप सामने दिखाई देंगे तो आप बहुत आसानी से, आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में होना चाहिए जिससे कि आपका टाइम थोड़ा सा बच सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डायहेड्रल ग्रुप D5 से मैंने डिनोट किया है और इसको D10 भी कहते हैं। जो N ऑर्डर का जो डायहेड्रल ग्रुप हम जैसे DN लिख रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है, डायहेड्रल ग्रुप मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि डायहेड्रल ग्रुप कैसे बनता है, N गॉन की सिमेट्री से बनता है। N गॉन यानी हमने N साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन ले लिया, उसकी जो जो सिमेट्री रोटेशन और रिफ्लेक्शन से पॉसिबल होगी उन सबको जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो एक ग्रुप बनाएगा, उसको हम कहेंगे DN। यहाँ पे N क्या है, जो N गॉन हम लेंगे, N रेगुलर पॉलीगन, वो उसमें नंबर ऑफ साइड है ये DN। तो ये एक नोटेशन है। किसी किसी बुक में क्या करते हैं कि एक रिजल्ट है कि DN में 2N एलिमेंट्स होते हैं हमेशा। यदि हमने N रेगुलर पॉलीगन लिया है, N साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन लिया है, तो उसकी जो टोटल सिमेट्री होगी रोटेशन से या फ्लिप करके, है ना, वो हमें कितनी मिल जाएगी, टोटल सिमेट्री मिलती है 2N, यानी ऑर्डर जो इस ग्रुप का होगा वो 2N होता है। तो कुछ बुक में ऐसा नोटेशन यूज़ करते हैं D2N, जहाँ ये ऑर्डर होता है, और किसी बुक में रेगुलर पॉलीगन का कितना नंबर ऑफ वर्टेक्स या नंबर ऑफ साइड कह लीजिए वो इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आप एक बार उसके स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि वो किस तरह के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है हमारा एक रेगुलर पेंटागन से ना, दिस ग्रुप इज सिमेट्री ऑफ रेगुलर पेंटागन। इस पेंटागन को कितने एंगल से हम रोटेट करेंगे कि फिर से हमें सिमेट्री मिलेगी, तो उसके लिए एक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला है ये 2π डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड। तो यह नंबर ऑफ साइड 5 है, तो इसको हमने निकाल लिया, ये 72 डिग्री निकल रहा है। ओके, तो चलिए इस ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको एक बार रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इसके बाद यदि हम इसको एक और बार रोटेट करेंगे यानी फाइनल वाले एलिमेंट को आर स्क्वायर टाइम्स रोटेट करेंगे। अब यहाँ भी नोटेशन का ध्यान रखिएगा, कई बार इसको आर स्क्वायर कहते हैं, कई बार आर टू कहते हैं, है ना। तो ठीक है, मैं आर स्क्वायर वाला नोटेशन यूज़ कर रही हूँ, पर सारे इक्विवेलेंट हैं, कभी आए तो आप घबरा मत जाइएगा, वो सारी एक ही चीज़ें हैं। ये दो बार रोटेट करना मतलब एक के बाद आर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से
जब हम आर क्यूब करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को एक और बार आप रोटेट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। और जब हम आर 4 टाइम्स रोटेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, अब यदि हम 5 टाइम्स रोटेट करेंगे तो एक और बार यदि हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो हमें जो डिस्टिंग्विश अलग अलग एलिमेंट मिले हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिले हैं, वो क्या मिल गया, आर से जनरेट हुआ, दूसरा वाला आर स्क्वायर से जनरेट हुआ, तीसरा वाला आर क्यूब से और चौथा वाला आर फोर से। ओके, और ये तो हमारा है ही आइडेंटिटी। तो टोटल रोटेशन से जो हमें जनरेट हुआ ई आर आर स्क्वायर आर क्यूब आर फोर। इसी तरीके से अब हम फ्लिप कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पिक्चर पहले से ड्रॉ करके रखा है। हमें टोटल एक्सिस जो सिमेट्री की मिलेगी वो टोटल हमें मिल रही है 5। ओके, एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट से जाने वाला एक लाइन मिलेगा, जिसके अलॉन्ग हम पिक्चर को यदि फ्लिप करते हैं पेंटागन को तो हमें सेम पेंटागन मिलेगा, है ना, सिमेट्री मिलेगी। ओके, तो उसको हमने यहाँ पर डिनोट किया है एफ आर एफ आर स्क्वायर एफ आर क्यूब एफ और आर फोर एफ। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे ये हमने पेंटागन लिया और ये इस एक्सिस के लॉन्ग फ्लिप किया, तो चलिए उससे हमें फिर से एक पेंटागन मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो ये जो एफ है ना, उस ऑपरेशन को हम यहाँ डिनोट करते हैं। तो ये तो खैर ठीक है, ये चलिए इस ग्रुप में आ गया, लेकिन ये आर एफ क्या है? तो आर एफ एक्चुअली जो दूसरा, जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक्सिस है, इसके अलॉन्ग जो हम फ्लिप करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो या तो हम ऐसा करें F1, F2, F3, F4, है ना, ऐसे करके नाम दे सारे अलग अलग एक्सिस के लिए, अलग अलग जो हम फ्लिप कर रहे हैं उसका नाम हम ऐसे दे सकते हैं। पर होता क्या है, आप देखिए, होता ये है कि हमने ये पेंटागन लिया, इसके बाद अब मैंने इसको जो है, ये देख लीजिए ये एक्सिस है, इसके अलॉन्ग फ्लिप कर दिया मान लीजिए, तो हमें मिल गया 1, 2, इधर आ गया 5, इधर आ गया 3 और इधर आ गया 4। उसके बाद हमने रोटेट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, रोटेट करेंगे तो 1, 5, 4, 3, 2। अब देखिए हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए, यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को देखिए, अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से कैसे जा रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि यदि हमने इसी को 4 के लॉन्ग फ्लिप किया होता तो हमें ये रिजल्ट मिलता। आप ये देखिए फ्लिप करके ये सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी यहाँ से मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो आर एफ है ये और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का रिफ्लेक्शन ही है, है ना, अलोंग विच एक्सिस, द एक्सिस अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू वर्टेक्स 4। ठीक है, तो उसी तरीके से यदि हम फिर से आर स्क्वायर एफ निकालेंगे, आप करके देखिए, वो आपको अगेन एक रिफ्लेक्शन मिलेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको वो 4 रूल बताए थे, वो क्या थे एक बार मैं बता दे रही हूँ, रोटेशन फॉलोड बाय रोटेशन इज ऑलवेज अ रोटेशन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन इज रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज रोटेशन। ओके, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गए। चलिए अब हम इनके ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विजुअली इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। पहले ये जो हमारा पेंटागन है ये ले लिया, और जब हम इसको आर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें ये एलिमेंट मिल रहा है। अब देखिए इसको क्लॉक वाइज रोटेट करके आपको यही एलिमेंट मिलेगा, आर ओ आर। आर ओ आर मतलब आर के एक के बाद एक हम आर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ये इसका मतलब है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर, हम एक और बार इसको रोटेट कर देंगे यानी ये एलिमेंट मिल गया। इसी तरह से आर क्यूब क्या मिल गया हमें,
इसको एक और बार रोटेट करेंगे तो ये मिलेगा, 4 times करेंगे तो ये मिलेगा, और 5 times करेंगे तो हमें सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि r to the power 4 तक हम 5 तक हमने निकाल लिया है कि हमें क्या मिला, सेम आइडेंटिटी मिल गया, r to the power 5 is e, सो द ऑर्डर ऑफ r is 5। अब जरा इसी तरह से यदि हम r square का ऑर्डर निकालना चाहें तो वो भी मैंने एक बार विजुअली करके आपको दिखाया है, तो आप देख लीजिए। r square बार बार ऑपरेट करने का मतलब है कि पेंटागन को 2 times 72 degree से रोटेट करना। तो चलिए, यदि हम 2 times अपने जो आइडेंटिटी था, यानी जो हमने स्टार्टिंग वाला जो पेंटागन लिया था, उसको एक के बाद एक यानी 2 बार r से ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या एलिमेंट मिलेगा, यहाँ ये जो 1 है वो पहली बार में यहाँ जाएगा और दूसरी बार में यहाँ जाएगा। अब हम r square ऑपरेटेड ऑन r square निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 बार r square को ऑपरेट कर रहे हैं, हमें r square का ऑर्डर निकालना है, तो हम उसको r बार बार मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि कब तक वो आइडेंटिटी में आ जाता है, ठीक है। तो हमें अब फिर से ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, एक बार 1 पहली बार हम r ऑपरेट करेंगे यहाँ, दूसरी बार में यहाँ, यानी r square टोटल ऑपरेट करेंगे तो 2 times ऐसे शिफ्ट कर रहा है ना। अब देखिए r square को यदि 3 बार ऑपरेट करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा, फिर से ये यहाँ चलाएगा 1 4 times ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 हमारा कहाँ आ गया, 1 हमारा यहाँ आ गया, बाकी सारे एलिमेंट्स उसी के हिसाब से प्लेस हो गए। और फाइनली जब हम इसको 5 times ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ r square is equals to 5 मिलेगा। इसी तरीके से r cube और r to the power 4 का आप करके देखिए, वो कुछ एलिमेंट्स का मैंने किया और कुछ एलिमेंट्स के लिए को छोड़ दिया है, ताकि आप भी एक बार करके देखें और आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब आप खुद से करेंगे। तो अब बाकी जो एलिमेंट्स हमें 5 elements मिले थे वो सारे के सारे क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो जो रिफ्लेक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली पेंटागन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग फ्लिप कर रहे हैं। तो एक बार फ्लिप करेंगे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरी बार फ्लिप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिल जाएगी। देखिए एक बार मैंने करके यहाँ दिखाया है कि एफ ऑपरेट किया तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गए, फ्लिप हो गए, ये दोनों वर्टेक्स भी फ्लिप हो गए। फिर से वापस से हमने जब फ्लिप किया तो हमें क्या मिल गया, सेम आइडेंटिटी मिल गई, यानी ऑर्डर ऑफ एफ इज 2। इसी तरीके से आर एफ निकाला है हमने, तो आर एफ निकालने के लिए पहले एफ ऑपरेट कर देते हैं फिर आर ऑपरेट कर देते हैं, तो हमें आर एफ मिल गया। अब आर एफ को 2 times करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब देखिए आर एफ को एक बार किया, फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप किया सेम एक्सिस से हमेशा, है ना, क्योंकि एफ यहाँ पे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, जब हम इस एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर रहे हैं, और फिर से रोटेट करें तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ आर एफ क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से आर क्यूब एफ और आर द पावर 4 एफ को भी आप चेक कर सकते हैं कि उनका ऑर्डर भी 2 आएगा। ओके, चलिए अब ये निकाल लेते हैं, ये तो हमने ऐसे विजुअली निकाला, और भी बहुत तरीके हैं जैसे कि हम ऑर्डर निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। तो चलिए एक दूसरा मेथड ये है कि कैसे ऑर्डर निकालेंगे एलिमेंट्स का। तो हमने ये सेट ले लिया, हमने सबसेट ले लिया है D5 का। अभी फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे, तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या बोलता है कि यदि हमने कोई सबसेट लिया है ग्रुप का और यदि वो क्लोज है और क्लोजर लॉ सारा होल्ड कर रहा है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने सब सारे रोटेशंस को एक साथ कर लिया है। अब आप जानते हैं कि रोटेशन चाहे हम कितनी भी डिग्री से कर रहे हैं ना, जैसे आर का मतलब है कि 72 degree से रोटेट कर रहे हैं, आर स्क्वायर का मतलब है 2 times 72 degree से रोटेट कर रहे हैं, चाहे हम कितनी बार भी आर ऑपरेट करें वो फाइनली एक रोटेशन ही मिलेगा, है ना। तो यानी कि अल्जेब्रिकली क्या है, क्लोज्ड है। आप ऐसे भी करके देख लीजिए, आर टू द पावर 5 अभी क्या था हमारा, आइडेंटिटी है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप ऑपरेट करके आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अल्जेब्रिकली क्लोज्ड हैं। ओके, ये एक हमारा सब ग्रुप होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये किससे जनरेट हो रहा है, आर से जनरेट हो रहा है ना, हमारा एक जनरेटर वो आर है। तो चलिए
एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका एक जनरेटर भी हमें पता है, तो बाकी कितने जनरेटर एग्जिस्ट करेंगे वो हम कैसे निकालते थे? वो हम निकालते हैं यूलर फाई फंक्शन से, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई एन निकाल लेंगे, और यहाँ एन की वैल्यू क्या है, फाइव है, तो फाइव क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास फोर जनरेटर्स हैं। अभी यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर तो फाइव है नहीं, और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है और जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो मैच होता है, तो ये ग्रुप में फाइव एलिमेंट्स हैं। तो जो भी ये तो हमारा सर्टेनली ये जो एलिमेंट है वो हमारा जनरेटर नहीं होगा। बाकी जो फोर, अब हमें पता है कि फोर जनरेटर्स हैं, तो और क्या क्या हो सकता है, यही चार एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं सारे के सारे जो जनरेटर वाले वो निकल गए, तो इन सभी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब बाकी अदर सब ग्रुप्स को देख लेते हैं। तो हमारा, हम देखिए फिर से मैंने एक सबसेट बनाया, और ये भी अल्जेब्रिकली क्लोज है, तो ये हमारा एक सब ग्रुप होगा। इसी तरीके से मतलब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जितने भी रिफ्लेक्शन है ना, उस एक रिफ्लेक्शन को आइडेंटिटी के साथ जोड़ के एक सब ग्रुप बना रहे हैं उसका, ये सारे के सारे सब ग्रुप होंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्शन है अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग, उसके साथ हमने एक आइडेंटिटी को जोड़ दिया है, तो ये सारे के सारे इसके सब ग्रुप होंगे। ये सब ग्रुप चेक करना बहुत आसान है, आप देख लीजिए कि अल्जेब्रिकली क्लोज्ड है कि नहीं, बस हमें इतना देखना है। और ये साइक्लिक भी है, क्योंकि हमेशा जेड पी क्या होता है, प्राइम होता है, और ये कि सबके सब किसके आइसोमॉर्फिक हैं, जेड टू के आइसोमॉर्फिक हैं, जेड टू के आइसोमॉर्फिक हैं, है ना। क्योंकि अब आप जानते हैं कि एन ऑर्डर का यदि हमारे पास कोई साइक्लिक सब ग्रुप है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सब ग्रुप्स है वो किससे जनरेट हो रहा है, वो एफ से जनरेट हो रहा है ना, ये वाला जो सब ग्रुप है। एफ स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, आर एफ का होल स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, दो ही एलिमेंट हैं इनके पास। तो हमें जो टोटल सब ग्रुप मिल गए वो क्या क्या मिल गए अभी तक, वो हमें मिल गया ई आर, आर स्क्वायर, आर क्यू, आर फोर, ये टोटल मिल गया। एक ये फाइव ऑर्डर का मिला है, और बाकी ये सारे टू टू ऑर्डर के सब ग्रुप मिले हैं, सॉरी। इतने सब ग्रुप अभी मिले। अब सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर के लिए तो एक फॉर्मूला हमने पहले बताया है आपको कि यदि हमारा, जैसे हम डी एन कहें, यदि एन ऑड है, यानी डी एन जहाँ एन यदि ऑड है तो उसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होती है, और यदि इवन है, एन इज इवन, तो उसमें हमें नॉन ट्रिवियल सेंटर मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी और रोटेशन जो है एन बाई टू, है ना। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेंटर किसको कहते हैं, सेंटर का मतलब वैसा एलिमेंट जो सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। बिना फॉर्मूले के भी हम समझ सकते हैं कि सेंटर कैसे निकाला जा रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये रिलेशन डायहेड्रल ग्रुप के लिए, यानी कोई भी रोटेशन को के बाद आर एफ करेंगे, या आर आई मैंने लिखा है, आर आई का मतलब आर की जगह आप आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर टू द पावर फोर कुछ भी रख सकते हैं। यदि एन ऑर्डर का हमारा है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उससे बनने वाला जो डी एन होगा उसमें आप आर आई की जगह आर एन से छोटा कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो जब भी हम रोटेशन और रोटेशन को ऑपरेट करेंगे किसी एक रिफ्लेक्शन के साथ, तो उसका मतलब होगा रिफ्लेक्शन और रोटेशन का इनवर्स, ओके। अभी जो रिफ्लेक्शन है वो किसी के साथ भी कम्यूट नहीं करता है, मतलब ये जो एफ है वो कभी सेंटर का एलिमेंट नहीं होगा, आप वो करके देख लीजिए, है ना। तो अभी ऐसा हमें ये हमें यदि सेंटर निकालना है तो हमें बेसिकली क्या निकालना होगा, हमें बेसिकली निकालना होगा एक ऐसा रोटेशन जिसका ऑर्डर क्या हो, टू। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमें ये रिलेशन पता है आर एफ इज इक्वल्स टू एफ आर इनवर्स। हमारा रिफ्लेक्शन हमेशा सबके साथ कम्यूट करता नहीं है किसी रोटेशन के साथ, है ना।
तो अभी हमें सेंटर के लिए क्या करना होगा, हमें एक ऐसा आर निकालना होगा सच डेट आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रोटेशन जिसका ऑर्डर क्या हो, टू हो, और इस ग्रुप में सभी रोटेशंस का ऑर्डर क्या है, हमारा फाइव है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा सच डेट आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर, है ना। तो ये कभी भी आर एफ इज इक्वल्स टू एफ आर के बराबर नहीं होगा। ओके, सो इसका जो सेंटर होगा हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब चलिए, लास्ट क्लास में मैंने ये फार्मूला डिस्कस किया था, द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डी एन इज इक्वल्स टू टाउ एन एन, टाउ एन प्लस सिग्मा एन। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ एन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप मिल रहे हैं। तो आप एन की जगह यहाँ फाइव पुट करिए और देखिए कि हमें टाउ एन कैसे निकालेंगे। द नंबर ऑफ डिवाइजर्स है यहाँ पे टाउ एन, तो फाइव का डिवाइजर्स क्या क्या हो गया, वन और फाइव, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए टू। और जो डिवाइजर्स का सम होगा, जो डिवाइजर्स का सम होगा वो हो जाएगा सिग्मा एन। तो अब फिर क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप मिल गया एट। इसमें हमारा ट्रीवियल सब ग्रुप्स भी आएगा, यानी कि टोटल डी एन और आइडेंटिटी। तो चलिए, अभी तक हमने सब ग्रुप जो निकाले थे उसको काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन और एट। तो जितने हमने सब ग्रुप निकाले थे और उसके अलावा जो ट्रीवियल सब ग्रुप्स हैं उनको यदि जोड़ लेते हैं तो टोटल एट सब ग्रुप्स मिल रहा है। और इस फॉर्मूला से भी ये कन्फर्म हो गया है कि इसके पास एट सब ग्रुप्स हैं। यदि जो सब ग्रुप्स हमने निकाले हैं इसके अलावा कोई और सब ग्रुप इसके पास नहीं है। और इस ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या हैं, साइक्लिक हैं। ये खुद ग्रुप नॉन साइक्लिक ग्रुप है पर इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या हैं, साइक्लिक हैं। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। अब इसके नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग ने अभी तक जितने भी पॉपुलर ग्रुप पढ़े हैं सभी में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हम क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। यदि हमारे पास हमें पता होगी इस ग्रुप का ये नॉर्मल सब ग्रुप है, हम लोग तुरंत क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म निकालने में भी नॉर्मल सब ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हम जो भी पॉपुलर ग्रुप पढ़ रहे हैं उनके नॉर्मल सब ग्रुप को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो एक फॉर्मूला है वहाँ पे, एक थ्योरम है कि यदि हमारे पास कोई सब ग्रुप है तो यदि हम उसका इंडेक्स निकालें, है ना, तो हमें यदि वो इंडेक्स टू मिलता है तो वो हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इंडेक्स मतलब करना क्या है, आपको ग्रुप के ऑर्डर से सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना, यदि वो टू आ रहा है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ जो हमने एक सब ग्रुप लिया था एच इज इक्वल्स टू ए, इसका नाम हमने दे दिया एच, यदि हम इसका इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है टू, तो ये हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, अब हम प्रूव करते हैं कि बाकी के सब ग्रुप्स नॉर्मल नहीं हैं। तो आप ये देखिए, हमने ई एफ के लिए प्रूफ किया, ऐसे ही आप बाकी सब ग्रुप्स के लिए भी प्रूफ कर लीजिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम दिखा देते हैं कि इसका जो लेफ्ट कोसेट है और जो राइट कोसेट है वो बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी हमें किसी स्टेटमेंट को जब डिसप्रूव करना होता है तो बहुत आसान होता है, हम एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो ये हम बस ये जो हमारा सब ग्रुप है ना उसमें हम एक इसका एक लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकाल ले रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर और आर एफ, है ना, और जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जब मिल जाएगा आर और एफ आर। अब इन दोनों को एक जैसा लिख लेते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि दोनों एक हैं भी या नहीं। तो अभी हमने रिलेशन वो पढ़ा था कि एफ आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स एफ, और यहाँ मैंने लिख रखा है, है ना। तो यहाँ से यदि हम आर को इस तरफ लाना चाहते हैं तो हमें आर का इन्वर्स करना होगा, है ना, तो ये आर इस तरफ आ जाएगा तो आर का इन्वर्स आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि आर टू द पावर फाइव इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब आर का इन्वर्स हमें निकलेगा आर टू द पावर फोर। तो ये हो गया ई और आर फोर एफ, और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसलिए इसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और ये एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब ग्रुप्स भी इसके नॉर्मल नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब हम लोग इसका
सब ग्रुप लैटिस पढ़ लेते हैं। सब ग्रुप लैटिस इसका बहुत आसान है याद रखना। ये टोटल हमारा सबसे बड़ा जो सेट है वो ले लिया है सब, ये हमारा पूरा का पूरा डी फाइव है। इसके अब टोटल हो गए प्रॉपर सब ग्रुप कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। एक हमारा 5 ऑर्डर का है, एक बाकी सब के सब 2 ऑर्डर के सब ग्रुप साइंस के, सारे के सारे साइक्लिक हैं। इसका जनरेटर आर है, इसका जनरेटर एफ है, इसका जनरेटर आर एफ है, इसका आर स्क्वायर एफ है, इसका आर क्यूब एफ है और इसका आर टू द पावर 4 एफ है, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कोई साइक्लिक सब ग्रुप एन ऑर्डर का यदि हमारे पास है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एन के, है ना। यदि हमारे पास एन ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप होगा, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, जेड एन के। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा सब ग्रुप है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड फाइव के, ये जेड टू के, ये जेड टू के, ये भी जेड टू के और ये भी जेड टू के और ये भी जेड टू के। और सबसे छोटा सब ग्रुप हमारा आइडेंटिटी है। इसके मैक्सिमल सब ग्रुप कितने होंगे, तो ये जो हमारा जो सब ग्रुप लैटिस होता है उसमें देखना बहुत आसान है कि मैक्सिमल सब ग्रुप कितने होंगे। ये सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप इसके मैक्सिमल सब ग्रुप होंगे। तो आपको बस इतना ये सब एक बार करके जाइए और नॉर्मल सब ग्रुप ध्यान में रखिए, उसका सब ग्रुप लैटिस ध्यान में रखिए, ये पिक्चर से इसको याद रखना बहुत आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे एन ऑर्डर का। जनरल लीनियर ग्रुप हमारा इन्फिनाइट भी होता है और फाइनाइट भी होता है, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।